गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली सुबह 8 बजे हमारे चैनल पे बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए करंट अफेयर की क्लास होती है। इसमें हम लेटेस्ट करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, टॉप 25 क्वेश्चन होते हैं। तो आइए दोस्तों, आज भी देखते हैं करंट अफेयर के कुछ चुनिंदा 25 प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्लास अच्छा लगे तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। और इस क्लास की अगर आप PDF फाइल चाहते हैं तो 500 लाइक का एम रखता हूँ भाई, इस क्लास को 500 लाइक हिट कर देना। टेलीग्राम ग्रुप पर PDF फाइल इसका सेंड कर दूंगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज्वाइन करके रखिए, PDF फाइल वहीं पर मिलेगा। साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं अगर कुछ पूछना चाहते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने तैयारी करने में देरी कर दिया है, प्रिपरेशन फॉर्म भरने के बाद शुरू किया, एक ही महीना आपके पास समय मिला, तो आपका निश्चित तौर पर सिलेबस जो है कंप्लीट नहीं हुआ होगा। इसलिए हमारा एक क्रैश कोर्स जरूर परचेज करें, इसकी कीमत मात्र 149 रुपये है। इसमें 10 साल का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर विथ एक्सप्लेनेशन और पूरा अलग अलग हर टॉपिक के क्वेश्चन दिए गए हैं, 200 क्वेश्चन जो बिल्कुल सेलेक्टेड हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं। तो इसको पढ़ लेंगे तो कम समय में आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी और अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। लिंक इसको बाय करने का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर लिंक से परचेज नहीं हो रहा तो एक व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस पर भी मैसेज करके ले सकते हो। तो चलिए भाई, इसको लेना है जाकर मैसेज कर सकता है व्हाट्सएप पर या फिर लिंक से बाय कर सकता है। स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, भारत में वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल मैंग्रोव क्षेत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब दें आप लोग। वन का उत्तर क्या हो जाएगा भाई, आंसर करते रहो, भले आपको गेस करना हो गेस करें। क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बिल्कुल 4992 वर्ग किलोमीटर। अगला देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 है, आर्थिक समीक्षा 2021-22 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में चावल के विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा था। क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब दें आप लोग। दो का उत्तर क्या हो जाएगा, दो का ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा, 28.1%। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय सेना की निगरानी क्षमताओं को आपातकालीन खरीद खंड के तहत किस देश से उन्नत हेरॉन ड्रोन खरीदा है। क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर दीजिए, लाइक जरूर कीजिएगा भाई क्लास को, ठीक है। 3 का उत्तर क्या हो जाएगा, इजराइल, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी। अगला देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 है, मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा राज्य सरकार द्वारा संहित कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, किस राज्य सरकार द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर यहां पर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, उड़ीसा सरकार द्वारा। अगला देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जनजाति के मेधावी छात्र विद्यार्थियों के शैक्षणिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए आकांक्षा योजना शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर दो आप लोग। फाइव का ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अगला देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों से संबंधित कौन सा सम्मिलित है, बताइए भाई। छह नंबर का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर यहां पर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा भाई, उपरोक्त सभी हो जाएगा, डॉक्टर सूर्य प्रकाश, डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, अयाज मेनन, इंडियंस इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फॉर्म 1947, गौतम चिंतामणि, द मिडवे बैटल, मोदी रोल, कॉस्टर सेकंड टर्म। अगला देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में गीता गोपीनाथ को किस संस्था द्वारा अपना पहला उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब दीजिए। सेवन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहां पर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा, IMF। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, देखिए, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा बाजार के मांग के साथ कुशल कार्यबल को आपूर्ति के लिए अशीम यानी ASEEM पोर्टल लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर दीजिए।
आठ का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर नौ है, निम्नलिखित में से सुमेलित कौन सा है भाई बता दो, नौ नंबर का उत्तर। नाइन का आपका ऑप्शन डी का उत्तर हो जाएगा, तीनों सुमेलित है भाई। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आत्मनिर्भर किसान एकीकृत विकास योजना को लागू करने की मंजूरी दी गई है। 10 का उत्तर दें आप लोग। दस का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी का उत्तर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला है क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा अटल वायो अभ्युदय योजना की शुरुआत की गई भाई, इसका आंसर कमेंट करके बताइए सभी लोग। सभी लोग कमेंट करते रहो, साथ साथ वीडियो को लाइक कर दो, क्लास को एक लाइक कर दो भाई फटाफट। ग्यारह का ऑप्शन ए का उत्तर हो जाएगा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। अगला है क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा लंबी दूरी को सुपरसोनिक मिसाइल समर्थित टारपीडो स्मार्ट प्रणाली का उड़ीसा के बालासोर तट पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। 12 का उत्तर दीजिए आप लोग। बारह का उत्तर जितने लोगों ने जवाब दिया बी हो जाएगा भाई, डीआरडीओ के द्वारा। अगला है क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने एक पोर्टेबल मिट्टी परीक्षण उपकरण भू परीक्षण विकसित किया है। क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब दें आप लोग। 13 का बी का उत्तर हो जाएगा, आईआईटी कानपुर। अगला है क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इतिहास में पहली बार पार्क सोलर प्रोब अंतरिक्ष यान ने सूर्य के बाहरी वातावरण को से होकर उड़ान भरी है, यह किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया मिशन है। क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर दीजिए। चौदह नंबर का राइट आंसर देखिए, काफी लोग जवाब दे रहे हैं, डी का उत्तर हो जाएगा, नासा। अगला देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी है। 15 नंबर महत्वपूर्ण है भाई, जवाब दें आप लोग। पंद्रह का बी का उत्तर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 16 है, दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा देश टाइफून राय से प्रभावित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब देते चलो भाई सब लोग। सोलह का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां पर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा भाई, 16 का फिलीपींस। अगला देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 17 है, किस शहर में उत्तर भारत के पहले उद्यमिता केंद्र में मेडिटेक का उद्घाटन किया गया है। 17 का जवाब दीजिए। सत्रह नंबर का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर यहां पर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा भाई, लखनऊ। अगला है क्वेश्चन नंबर 18 है, महिलाओं बच्चों और पर्यटकों के खिलाफ अपराध से निपटने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा पिंक फोर्स का गठन किया गया है। 18 का उत्तर दो भाई सब लोग। अठारह का ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा, गोवा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल ही में शुरू की गई योजना आईएम शक्ति उड़ान योजना किस राज्य संबंधित है। उन्नीस नंबर का बी का उत्तर हो जाएगा, राजस्थान से। अगला है क्वेश्चन नंबर 20 है, हाल ही में किस संस्था के द्वारा वर्नकुलर इनोवेशन प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब दें आप लोग। बीस का बी का उत्तर हो जाएगा, नीति आयोग। अगला देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय मूल के किस न्यायाधीश को दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च न्यायिक पीठ में नियुक्ति किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 का उत्तर देते चलो भाई सब लोग। सभी लोग लाइक कर दियो ना भाई, क्लास के पीडीएफ फाइल चाहिए तो टेलीग्राम पे भेज दिया, डाउनलोड कर लो और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दो भाई। क्वेश्चन नंबर 21 का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए का उत्तर हो जाएगा, नरेंद्र जोड़ी
कोलापुन पेन। अगला देखिए 22 नंबर, पशुपालकों को पौष्टिक पशु आहार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर दो आप लोग। बाईस का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर यहां पर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, उत्तराखंड। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 23 है और ये अंतिम प्रश्न इस टेस्ट का, क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना की शुरुआत की गई है। क्वेश्चन नंबर 23 का जवाब दो, इस क्लास को लाइक कर दो भाई और पीडीएफ फाइल के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहाँ पर पीडीएफ फाइल। इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करना। 23 का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी का उत्तर हो जाएगा, हरियाणा। तो इसी का एंड करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास सुबह 11 बजे वाली में।